हेलो फ्रेंड्स, मैं शताब्दी और शताब्दी द किचन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी एक बहुत ही यूनिक सा ढोकला जो शायद आपने पहले खाया नहीं होगा। ये मैंने बनाया है स्वीट कॉर्न से, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत मजेदार रेसिपी है और बच्चों को अगर ये आप खिलाओगे तो वो बार बार मांगने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं शताब्दी द किचन में, जहां हमेशा बहुत ही इजी रेसिपीज बनाई जाती है और बहुत ही कम टाइम में। तो चलते हैं किचन में। तो इस ढोकले के लिए यहां पर मैं ले लूंगी 1 कप सूजी। ये बारीक सूजी है, तो उसी सूजी को मैंने यहां पर यूज किया है। इसमें मैं ले लूंगी 1/4 कप के करीब बेसन। इसको थोड़ा मिक्स कर लूंगी। इसको जो है अब एक अच्छा सा बैटर बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया है 1/4 कप दही। दही जो है थोड़ा खट्टा वाला होना चाहिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। बैटर को थोड़ा सा और स्मूथ बनाने के लिए यहां मैं जो दही लिया था, जिस मैंने बाउल में, उसी में पानी लेके मिक्स करती हूं। ये जो बैटर है, ये जैसे हम डोसा बनाते हैं उस तरह का बैटर होना चाहिए, उससे ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब इस बैटर को मैं थोड़ी देर के लिए यूं ही रख दूंगी ताकि सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाए। यहां पर मैंने स्वीट कॉर्न ले लिया है 1 कप। अब इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। ये कच्चा वाला स्वीट कॉर्न है, मैंने इसको दरदरा पीस लिया है। देखिए कितने अच्छे सा दरदरा सा ये पीसा हुआ है। इसको एकदम महीन नहीं पीसना है। जो अभी स्वीट कॉर्न मैंने पीसा है इसको इसमें मिक्स कर देती हूं। डालूंगी थोड़ी सी हल्दी और डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। यहां मैं 1 या 2 स्पून जो है ऑयल डाल दूंगी। अदरक है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया था, वो डाल देती हूं। 3-4 हरी मिर्च है, वो भी डाल रही हूं। आप लाल मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन हरी मिर्च डालना ज्यादा अच्छा होता है। थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल रही हूं, ये वैसे ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो और नहीं भी। अब इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैंने पानी जो है उबालने के लिए रखा हुआ है। अब इस बैटर को मैं करीबन 15 मिनट इस तरह से छोड़ दूंगी। फ्रेंड्स देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ जिसमें मैं ढोकला बनाऊंगी उसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ और इसको अच्छे से इसमें लगा लूंगी। देखिए इसमें मैं डालूंगी इनो का 1 पैकेट। जब पानी बिल्कुल उबल रहा हो और जो है आपका टिन तैयार हो, तभी आप इसमें जो है इनो का 1 पैकेट जो है डाल दीजिएगा। देखिए कितने अच्छे से झाग जो है इसमें तैयार होने लगा है तुरंत। फिर देखिए इसको इसमें अब मैं डाल दूंगी। बहुत अच्छे से ही झाग बिल्कुल बन गया है। ये इंस्टेंट उपमा है, इसलिए इनो का मैं इसमें इनो डालती हूं। देखिए फ्रेंड्स, पानी बिल्कुल उबल रहा है, तो अब मैं इस बॉक्स को इसमें रखूंगी और ऊपर से ढक दूंगी। इसको गैस का फ्लेम बिल्कुल भी कम नहीं करना है, ये तेज आंच पर ही पकता है और इसको कम से कम अभी 20 मिनट टाइम लगेगा। फ्रेंड्स आप देखिए, आप
देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितने अच्छे से फूला है। तो अभी इसको बनने में थोड़ा टाइम है, बस आप लोगों को मैं ये दिखा दे रही हूँ कि देखिए मैंने अभी रखा था तुरंत, मतलब 5 मिनट भी नहीं हुआ है, ये बहुत अच्छे से फूल गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, देख लेती हूँ। देख के तो लग रहा है कि बहुत ही अच्छा बना है, मतलब इससे ज्यादा और ये फूल नहीं सकता था। तो अब मैं एक चाकू से इसको देख लेती हूँ कि कितना बना है। कि फ्रेंड्स ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और इसको नीचे अब मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अब इसको काट लेती हूँ। मैंने इसको ऊपर से कटिंग कर ली है। अब मैं इसका एक स्पेशल का तड़का बनाने वाली हूं। मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी, तो इस तेल में मैं डालने वाली हूं सरसों, थोड़ा सा कड़ी पत्ता। देखिए मैंने 3-4 हरी मिर्च को काट के रखा था बीच से, वो डाल दिया। और इसमें लास्ट में डालूंगी मैं थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च। अब इसको मैं जो मैंने बनाया है ढोकले उस पर डालने वाली हूँ। अब गैस जो है ऑफ कर देती हूँ और उसमें ये डाल देती हूँ, डालूंगी। अब मैं आपको सर्व करके दिखाने वाली हूं। तो फ्रेंड्स ढोकले बनकर बिल्कुल रेडी हैं और एकदम परफेक्ट बने हैं। एक तो ये ढोकले नाश्ते के लिए रेडी हैं, ऊपर से बहुत ही टेस्टी बने हैं और हेल्दी भी है। हेल्दी इसलिए है क्योंकि मैंने इसको स्वीट कॉर्न से बनाया है। बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और मॉर्निंग में अगर कोई आपके यहाँ आ जाता है मेहमान तो उनको भी एक बार खिला के देखिए। तो अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल बॉक्स में जरूर आप कमेंट कीजिए। आपके एक कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मैं कैसी रेसिपीज बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।